आज हम आपको दिखाएंगे कि एक फोल्डिंग चॉकलेट बॉक्स को उसकी जो ट्रे होती है उसको फोल्ड कैसे करा जाता है। इसके कई सारे लॉक्स, कई सारे पैटर्न्स, कई सारे लाइंस इसमें दिख रही होंगी आपको, जैसे देख रहे होंगे आप इसमें, ये देखेंगे इसमें लाइंस जो दिख रही हैं, ये जो ये अपनी क्या मार्किंग होती है, ये अपन को इंडिकेट करती है कि अपन को इसको यहाँ से फोल्ड करना है। कभी भी इस तरह के बॉक्सेस आए तो आप इस तरह के घबराए ना कि मैं कैसे बनाऊँ, कैसे इसको फोल्ड करूँ। आप सिंपली इसमें सिर्फ मार्किंग चेक कर लीजिए। सबसे पहला काम है अपन इसमें मार्किंग चेक कर लें कहाँ कहाँ से मार्क लग रहा है। दूसरी चीज़ ये करें कि इसमें एक प्रिंटेड एरिया है, एक वाइट एरिया है, तो इस वाइट एरिया से अपन को इस मार्किंग फोल्ड करना शुरू करना है। अब आप इस तरह की जैसे ट्रे देखेंगे, जैसे कि मैं आपको बॉक्स दिखाऊँ, आपको जैसे कि अगर इस तरह की ट्रे बनानी है, मैं आपको ये बॉक्स दिखाऊँ या आपको ये ट्रे बनानी है, तो ये इससे कैसे बनेगी, इसके लिए आप इजीली इसमें जब मार्किंग देखेंगे, मार्किंग से मैं आपको फोल्ड करना इसमें सिखाऊंगा। मार्किंग आई अपनी, ये अपनी जैसे वाइट लाइन, अब इसको अपन को वाइट साइड के साइड फोल्ड इसको घुमा देना है, वाइट साइड से अपन मोड़ना शुरू करेंगे। आप इसमें देखेंगे कि इसमें तीन लाइनें जैसे यहाँ पे भी देखेंगे तो सबसे अंदर वाली जो लाइन है वहाँ से इसको मोड़ना शुरू करेंगे। मोड़ेंगे जैसे पहला फोल्ड कर दिया अपन ने इसको, फिर यहाँ से इसको दूसरा फोल्ड वापस अंदर कर दिया, ये इसका फिर तीसरा फोल्ड वापस अंदर हो गया। जो अब इसका लास्ट फोल्ड है, जो आप लास्ट लाइन देखेंगे, इसको आपको बाहर की साइड फोल्ड करना है। इसको सब क्रीजिंग इसको बोलते हैं, टेक्निकल वे में इसको क्रीजिंग बोला जाता है। क्रीजिंग को अपन को प्रॉपरली हाथ से अच्छे से फ्लैट करना है इनको, ताकि क्या आगे बॉक्स बनाने में अपन को दिक्कत नहीं है। इसी वे में अपन इसको चारों तरफ से कर देंगे, इसे एक फोल्ड यहाँ से पहला सबसे पहला अंदर, दूसरा भी अंदर, इसमें तीसरा भी अंदर, जो लास्ट वाला फोल्ड है ये वाला अपन ने बाहर कर दिया। इसी तरह से सारी तरफ से ऐसे फोल्ड हो जाएगा। ये सब तरह से इस तरह से फोल्ड हो गया। अब ये फोल्ड हो गया, अब इसको बांधे कैसे, इसको बनाए कैसे, बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, जो जहाँ पे आपको ये कट्स दिख रहे हैं, जो ये लॉकिंग, इसको लॉकिंग बोलते हैं, इसमें लॉकिंग दिख रही है, इस लॉकिंग की साइड से अपन इसको ऐसे बॉल बनाएंगे। आप जब इसको पकड़ेंगे तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे ये बॉल बन चुकी है, ये वाला हिस्सा ऐसे नीचे टच हो रहा है, ये वाला हिस्सा यहाँ पे बॉल हो गया, एक तरह से ये बॉल खड़ी हो गई। बॉल खड़ी होने के बाद में अपन जो दो हैं, ये अपने जो लॉकिंग होती है, इनको अंदर की साइड लेके आएंगे। अंदर की साइड लेके आने के बाद अब यहाँ पे आप कट्स देख रहे हैं, ये कट्स देख रहे हैं आप, कट्स को एक दूसरे के इंटरलॉक कर देना है। यहाँ पे लॉक कर दिया, जो दूसरा है उसको यहाँ लॉक कर दिया, ये यहाँ से लॉक हो गया। अब ये कहीं से मूव नहीं करेगा, बट ये ज़्यादा ऊपर उठे नहीं, इसलिए अपन ने एक हाथ से इसको दबा दिया। दबाने के बाद अपन यहाँ से इसको, इस वाली बॉल को यहाँ खड़ा कर देंगे। यहाँ से आप जैसे जैसे इसको आगे लाते जाएंगे, जैसे जैसे इसको फोल्ड करते जाएंगे, ये अपने आप एक बॉल क्रिएट कर जाएगा। ये बॉल एक क्रिएट हो गई। क्रिएट होने के बाद आप सिंपली क्या करना, यहाँ से नीचे से ये जो अपने नीचे जो टच हो रहा है पेपर, इसको एक फिंगर से उठाना और बस इसको उठा के यहाँ पीछे कर दिया, इसके पीछे कर देना है। मैं वापस करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ये आया, अपन ने इसको उठा के ये पीछे पुश कर दिया, तो ये यहाँ से इससे लॉक हो गया। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये यहाँ पे लॉक हो गया, यहाँ पे ये प्रॉपरली एक बॉक्स बन गया इस साइड से। अब सेम चीज़ अपन ये दूसरी साइड से करेंगे, दूसरी साइड से भी अपन ने इसको ऐसे लॉक कर दिया ये दोनों सेक्शंस को, जिससे कि ये मूव ना करे। ये एक्चुअली एक टेक्निकल वे में इसको सपोर्ट देने काम करती है, अपन जो बॉल खड़ी कर रहे हैं इसको सपोर्ट देने के लिए काम करती है। ये अपन ने वापस इसको आगे लिया, इस तरह से इसको फोल्ड कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे भी ये बॉल क्रिएट हो गई। अब आप धीरे से इसको पेपर को उठाइए और पेपर को उठाने के बाद इसको पीछे लगा दीजिए। पेपर फटने का डर मत रखिए कि पेपर फट जाएगा, पेपर बहुत फ्लेक्सिबल रहता है, इजीली आप उसको उठा के यहाँ पीछे पुश कर देंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कहाँ से क्या हुआ और ये आपका बॉक्स रेडी हो जाएगा। इसमें आपने ये कैविटी, आपकी चॉकलेट की कैविटी इसमें